दोस्तों आज बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर के अंदर साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी देखे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक कई तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे जो कि कोई भी एंगल ले सकते हैं, कोई भी एंगल ले सकते हैं, है ना। हमने देखा साइन ऑफ थीटा वैल्यू 0 और 360 डिग्री, 360 डिग्री बोलो, बट हम यहाँ पे रेडियंस के अंदर बात करेंगे। तो साइन थीटा जो है यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो सकती है कहाँ से कहाँ तक, 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियंस, 0 टू 2 पाई रेडियंस के बीच में वैल्यू हो सकती है थीटा की यहाँ पे। अगर वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा हुआ है। अगर वैल्यू होगी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में एंगल की वैल्यू होगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर माना जाएगा एंगल। सिमिलरली 90 टू यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 टू पाई एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर भी लाई कर सकता है, थर्ड के अंदर भी, फोर्थ के अंदर भी। अभी तक हमने प्रीवियस क्लास देखा था कि एंगल जो होता था हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता था। वो कैसे, क्योंकि देखो हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था ना वो एक तरह से एंगल 90 डिग्री के ऊपर नहीं, ठीक है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के ऊपर नहीं जाता था, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन जाएगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा एंगल। तो इसलिए हम वहां पे क्या बोलते थे कि एंगल 90 डिग्री के बीच में है, 0 टू 90 डिग्री के बीच में, तो इसलिए वहां पे साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आती थी, हमेशा वहां पे आती थी वैल्यू पॉजिटिव। सिमिलरली बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आती थी, बट जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाएंगे, यानी कि ये जो टर्मिनल, यानी कि ये जो फाइनल रे है हमारे पास जिससे कि एंगल बन रहा है, इनिशियल साइड एंड फाइनल साइड ऑफ रे, ये जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी ऐसे, तब जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल है, तब जो हमारे पास एंगल बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बनेगा, सपोज ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, अब एंगल कहाँ पे है, अभी एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर रिजाइड कर रहा है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, क्या पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो आज हम देखने वाले हैं इस साइन कन्वेंशन के अंदर, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने पढ़ा था ये जो साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू जो हम यहाँ से ऐसे सर्कुलर फॉर्म के अंदर, इस सर्कल की हम रेडियस को 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, सर्कल की वैल्यू को हम 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, इसको अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखते हैं, इसको हम रखते हैं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल। तो हम यहाँ पे सेंटर मान के चल रहे हैं, हमारे पास O है और एक एंगल हम यहाँ पे बना रहे हैं, दिस एंगल कवर्ड इज X रेडियंस, और सिमिलरली इसी का नेगेटिव काउंटर पार्ट हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, माइनस एक्स, क्योंकि ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर किया गया है, तो ये माइनस एक्स एंगल होगा। और हम यहाँ पे सर्कल की रेडियस को कितना मान रहे हैं, सर्कल की रेडियस हम मान के चल रहे हैं 1 यूनिट, और इस पॉइंट को हम पी बोल रहे हैं और नीचे वाले पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्यू बोल रहे हैं। अगर पी के कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए, हम पी के कोऑर्डिनेट्स को मान रहे हैं ए कॉमा बी, तो क्यू के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉमा माइनस बी, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ये बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ए डिस्टेंस है और वाई एक्सिस के ऊपर बी डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलरली जब हम बात करेंगे क्यू की, तो ये डिस्टेंस ए हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। और हमने पढ़ा था साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमारे पास क्या है साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली हमारे पास क्या है कॉस थीटा, बी अपॉन में। तो अगर हम यहां पे बात करें साइन थीटा की, कॉस थीटा की,
और एक छोटी सी करेक्शन, देखो यहाँ पे हम थीटा नहीं, यहाँ पे हम एंगल कितना मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम एंगल एक्स मान के चल रहे हैं। तो साइन ऑफ एक्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। पी अपॉन मैच बी अपॉन मैच, हम जानते हैं कि ये जो हाइपोटेनस है ये हाइपोटेनस है यहाँ पे, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने कितनी मानी है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस हमने 1 यूनिट मानी। तो नीचे क्या रहेगा, हमेशा नीचे हमेशा रहेगा 1, यानी कि यहाँ पे साइन एक्स क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है हमारे पास, तो ये परपेंडिकुलर है, हम एंगल एक्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम एंगल एक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइन एक्स के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अंदर परपेंडिकुलर है कितने यूनिट का, बी यूनिट इज इक्वल टू बी। और कॉस एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस की बात करें तो यहाँ पे बेस, बेस कितना है यहाँ से 0 to a डिस्टेंस, यानी कि a इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड b इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले एंगल की बात करें, माइनस एक्स, इस वाले एंगल की बात करें, तब हमारे पास हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, साइन ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे एंगल कितना है, ये एंगल है माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, वो भी कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे माइनस बी, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है माइनस बी, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे माइनस बी है। और अगर हम बात करें कॉस एक्स की, कॉस ऑफ माइनस एक्स की, तो यहाँ पे बेस कितना है, बेस सेम है हमारे पास, बेस कितना है ए, बेस कितना है ए। अब ध्यान से देखो, अगर हम इनका कंपैरिजन करें फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, देखो बी यहां से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बी इज इक्वल टू साइन एक्स एंड बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम क्या देख पा रहे हैं कि बी की वैल्यू की अगर हम बात करें, तो यहाँ से b की वैल्यू है साइन एक्स, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से b की वैल्यू है माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स वैल्यू आ रही है, यानी कि इस माइनस को अगर हम यहाँ पे लेके चले जाएँ, तो माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास। यानी कि जब भी हम साइन के अंदर एंगल की वैल्यू को चेंज करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, या फिर साइन ऑफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें कॉस वाली टर्म्स को, a इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड a इज इक्वल टू कॉस माइनस ऑफ एक्स, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से हम दूसरी ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ x हो जाता है। ये हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या, हमने लिया साइन ऑफ x, अगर हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, तो ये किसके इक्वल होगा, ये साइन x के इक्वल नहीं होगा, ये माइनस ऑफ साइन x के इक्वल होगा। ये पहली ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या, अगर हम cos के अंदर माइनस से रिप्लेस कर दें, तो वापस से cos x ही मिल जाएगा हमारे को। ये हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। हम बाकी बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, रिमेनिंग साइन कन्वेंशन की, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से, इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, ये दो ऑब्जर्वेशन हैं जो कि हमारे को नोट कर लेनी है और इनको याद रखना है। हम बात करते हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, बी है, यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, ये हमारे पास एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के कंपैरिजन की बात अभी हम करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, देखो हमारे को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बी की वैल्यू क्या होगी, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। बी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हमारे पास ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अभी हम बात करते हैं, देखो हमारे पास, हम ध्यान से अगर देखें साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ए की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। बी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ए की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो पहले हम साइन कन्वेंशन ना, साइन और कॉस की बात कर रहे हैं पहले, फिर हम जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी भी बात करेंगे। देखो
साइन एक्स की वैल्यू हमेशा बी होगी, कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ए होगी। बट यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो साइन के अंदर चेंज आएंगे, साइन के अंदर चेंज आएंगे ए और बी के अंदर, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स इजिकल टू बी, तो साइन एक्स इजिकल टू बी। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है पॉजिटिव, बी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं तक भी चले जाए एंगल के अंदर, तो बी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, यानी कि साइन एक्स क्या रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर बी की वैल्यू क्या रहेगी, देखो यहाँ से बी की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे होगी, फिर बी की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी और मैक्सिमम कहाँ तक आ जाएगी, जीरो तक आ जाएगी, मगर वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर भी, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर भी क्या रहेगी पॉजिटिव। अगर हम बात कर लें थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड के अंदर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बी क्या है, ये हाइट है, ये हाइट, ये हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी घटेगी घटेगी, मगर बी के अंदर ये हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, थर्ड के अंदर क्या हो जाएगी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हाइट क्या हो जाएगी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी क्या रहेगी, हाइट नेगेटिव ही रहेगी। अगर हम बात करें कॉस एक्स की, कॉस एक्स की हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो ए है हमारे पास, ये वैल्यू क्या रहेगी इस तरफ को पॉजिटिव, यानी कि एक्स एक्सिस क्या रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो गई, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी ए की। तो ये हमने देखा साइन कन्वेंशन साइन और कॉस के लिए, साइन और कॉस के लिए हमने साइन कन्वेंशन देखा। सिमिलरली हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी साइन कन्वेंशन ऐसे ही देख सकते हैं, मगर ये मेथड नहीं है, हम इसको ऐसे याद नहीं करने वाले हैं, हम इसका शॉर्टकट तरीका है उससे हम इसको याद करने वाले हैं, ठीक है। तो हम वही शॉर्टकट तरीका या फिर जो साइन कन्वेंशन है उसको हम याद करने का तरीका हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो कैसे याद होगा, याद करने का इसको तरीका, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, टेन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, टेन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हम इसको ऐसे इस क्वाड्रेंट फॉर्म के अंदर याद करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या याद रखने वाले हैं, ऑल पॉजिटिव साइन की वैल्यू, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, यानी कि एंगल की वैल्यू क्या है, जीरो टू पाई बाय टू, जीरो टू यहाँ पे एंगल कितना होगा, जीरो टू पाई बाय टू, यहाँ पे कितना होगा पाई होगा, यहाँ पे कितना होगा थ्री पाई बाय टू, और यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा टू पाई आ जाएगा। यहाँ से हम जीरो से चलना शुरू करें, पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू एंड जीरो। अगर एंगल इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है जीरो टू पाई बाय टू के अंदर, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव पॉजिटिव वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हम बात करते हैं, सेकेंड के अंदर कौन से पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन से पॉजिटिव होंगे, टेन एंड कॉट, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव। ये बात होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड के अंदर टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका है ना, इसको एक सिंपल एक इसको ऐसे याद रखते हैं बच्चे, है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन, एंड साइन का उल्टा क्या, कोसेक हो जाएगा, ठीक है। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। आफ्टर स्कूल टू, टी फॉर टेन, एंड टेन का उल्टा कॉट, कॉलेज। सी फॉर कोसेक, सॉरी सी फॉर कॉज, एंड कॉज का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन को याद करने का तरीका है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं एक छोटी सी और बात इसी वीडियो के अंदर, देखो हम बात करते हैं हमारे पास जो लिमिट्स हैं, वैल्यू की लिमिट्स हैं। देखो
अभी तक हमने ग्राफ नहीं देखा है साइन का ग्राफ कैसे बनता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अगर हम यहाँ पे एंगल को ड्रॉ करें, यहाँ पे अगर हम इस एक्सिस के अंदर एंगल को ड्रॉ करते हैं, एंगल को हम यहाँ पे एक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है, हमारे पास सर्कल है, उसके अंदर हम यहाँ पे एंगल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, एंगल को हम क्या मान के चल रहे हैं, एक्स मान के चल रहे हैं, थीटा भी मान सकते हैं, यानी कि हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर हमने एंगल को ड्रॉ करा है, और यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फंक्शन यानी कि साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, और इसको हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे वाई, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा है साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगी। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 1, वो हम देखने वाले हैं कि ये साइन की जो वैल्यू लेगा ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर सकती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, यानी कि लिमिट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले हम बात करते हैं साइन की। साइन ऑफ एक्स, ये साइन ऑफ एक्स हमेशा ही वैल्यू लेगा -1 और 1 के बीच में साइन की वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉज ऑफ एक्स की, कॉज एक्स की भी वैल्यू कितने से कितने तक होगी, 1 और -1 के बीच में वैल्यू होगी साइन की, कॉज की। अब हम बात करते हैं सेक की, कोसेक की, टेन की और कॉट की। सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, इनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सेक की जो वैल्यू होगी वो -1 से छोटी होगी, इज लेस देन और इक्वल टू -1, और सेक एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। लेस देन इक्वल टू -1 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी। सिमिलरली कोसेक की जो वैल्यू होगी, कोसेक एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी लेस देन इज इक्वल टू -1 होगी, और कोसेक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी। अगर हम बात करें टेन और कॉट की, टेन और कॉट की बात करें तो जो टेन की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं आएगा यहाँ पे, इन्फिनिटी, और ग्रेटर देन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉट एक्स की, कॉट एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी लेस देन इन्फिनिटी होगी और ग्रेटर देन माइनस सॉरी हाँ ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होगी। ये हमारे पास इनके कहाँ से कहाँ तक ये वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। ये 6 के 6 फंक्शंस की बात की गई यहाँ पे, ये क्या था, लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसको हम ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं, हमारे पास कुछ है ना कुछ खतरनाक से डायग्राम हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ साइन का कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, देखो तो यहाँ पे ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना जा सकता है, 1 जा सकता है, और मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना जा सकता है, ये जा सकता है -1, ठीक है। यानी कि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही वेरी करेंगी, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ग्राफ के बाद में देखेंगे, बट मिनिमम इज -1 एंड मैक्सिमम इज 1, साइन की वैल्यू की बात कर रहे थे, ठीक है। सिमिलरली कॉस की वैल्यू और टेन और कॉट की वैल्यू हमने देखी माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जा रही थी वैल्यू, इन्फिनिटी तक जा रही थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं ग्राफ्स जो एनसीईआरटी बुक्स के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ्स हैं, अगर इन ग्राफ्स को देखा जाए, हमारे पास ये साइन का ग्राफ है, तो यहाँ से -1 से लेके 1 तक वैल्यू वेरी कर रही है, और यहाँ पे ये कॉस का ग्राफ है ये भी 1 से लेके -1 तक वेरी कर रही है। अगर हम बात करते हैं टेन के ग्राफ की, तो टेन का ग्राफ देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी ऊपर की तरफ, यानी कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू ले रहा है इसकी, जो आउटपुट देगा ये, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कॉट का ग्राफ है, कॉट का ग्राफ भी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके इन्फिनिटी तक जा रहा है,
ठीक है, यानी कि जो आउटपुट देगा ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक आउटपुट दे सकता है कॉट का ग्राफ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेक के ग्राफ की, सेक का ग्राफ देखो वन से शुरू हो रहा है, वन से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वन टू इन्फिनिटी, और नीचे अगर हम मिनिमम की बात करें तो माइनस वन टू इन्फिनिटी। अगर हम बात करते हैं कोसेक की, ये भी वन से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है वन से इन्फिनिटी की तरफ और माइनस वन से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक, वाई एक्सिस की तरफ, यानी कि आउटपुट ऑफ ए फंक्शन। तो ये हमारे पास थे ग्राफ थे, और ये किन किन पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू कौन सी ले रहा है वो अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं साइन एक्स की, जो साइन एक्स का ग्राफ है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेगा, वन से छोटी होगी वैल्यू और माइनस वन से क्या होगी, बड़ी होगी या माइनस वन के बराबर हो सकती है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास ये एंगल है, कितना एंगल है, ये एक्स एंगल है, ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी हैं। अगर हम यहाँ पे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर की हम बात करें तो यहाँ पे आके गिरेगा, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा ए, और ये हाइट कितनी होगी इसकी, ये हाइट हो जाएगी बी। ठीक है, और यहाँ पे इस सर्कल की रेडियस को हम कितना ले रहे हैं, वन, और इट डजेंट मैटर कि हम वैल्यू रेडियस की वन ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं, एंगल हमेशा ही फिक्स रहेगा, एंगल रिमेन्स फिक्स, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेडियस। ठीक है, या फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा हम कितनी ले रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हम इससे बड़ा सर्कल बनाएंगे तो जो ट्राइंगल्स बनेंगे तब भी वो सिमिलर ट्राइंगल्स बनेंगे, और मैंने बताया था प्रॉपर्टी से कि सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमारे को क्या बोलती है, हम किस लिए, ये डिपेंड नहीं करती है रेडियस के ऊपर। तो हमने यहाँ पे देखा था साइन एक्स की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास और कॉस एक्स की वैल्यू हमने देखी थी यहाँ पे। साइन क्या होता है, पी अपॉन मैच, परपेंडिकुलर यानी कि बी, एच कितना है वन, कॉस एक्स कितनी होती है बेस यानी कि ए, ए इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड बी इज इक्वल टू साइन एक्स, ये चीज हमने देखी थी। अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं ए की वैल्यू, ये जो ए है ये मैक्सिमम जीरो से लेके, देखो अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो ए की वैल्यू इतनी होती, कम होती, अगर ये पॉइंट यहाँ पे ही आ जाए, इसी के साथ कोइंसाइड कर जाए तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ए की वन, यहाँ पे ए की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वन, यानी कि या तो ये इक्वल टू वन होगा या तो लेस देन वन होगा, बट वन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये माइनस वन से ये पॉइंट ए जो है ये कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे आके, और या तो इससे कम रहेगा, या तो इससे क्या रहेगा, कम रहेगा माइनस वन से, और a इज इक्वल टू क्या है, cos x, यानी कि cos x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 1, सिमिलरली फॉर sin x। ये थी हमारे पास साइन कन्वेंशन, जो कि हमारे को देखनी थी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस।